पाँच बजे भोर में हम जगह जगा कर तो जा के भूज के पीऊ ना भूखल को दारू मिला के चले बट जहर मिला के जाऊ नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। वैसे कहने को तो बिहार में शराबबंदी है, इसके बावजूद भी बिहार के कई जिलों से शराब के मामले अक्सर प्रकाश में आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला बिहार के सिवान और बेतिया जिले से सामने आ रहा है, जहां 5 लोगों की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। बताया जा रहा है कि सिवान में 3 और बेतिया में 2 लोगों की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ये 5ों का मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हुई है और साथ ही वहां की पुलिस प्रशासन का कहना है कि अभी छानबीन कर रहे हैं और पता नहीं चला है कि जहरीली शराब पीने की वजह से मौत हुई है या फिर किसी और कारणवश। आपको बताते चले कि बिहार के सिवान और बेतिया में संदिग्ध हालात में 5 लोगों की मौत हो गई है। आशंका जाहिर की जा रही है कि इन सभी ने जहरीली शराब पी थी। हालांकि सिवान को छोड़ बेतिया की घटना के संबंध में ना ही परिजन कुछ बोल रहे हैं और ना ही पुलिस प्रशासन। घटना सिवान के दौरंदा थाना क्षेत्र के पकलिया पंचायत के ढेबर गांव और बेतिया के नौतन थाना क्षेत्र के खापटोला गांव की है। इससे पहले पिछले साल भी नौतन थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हो चुकी है। बेतिया मामले में एसपी ने 3 लोगों में शराब पीने की पुष्टि की, इनमें 2 की मौत हो गई और जबकि 1 का इलाजरत है। वहीं सिवान में 3 मजदूरों की रहस्यमय तरीके से अचानक मौत हो गई। हालांकि मौत का कारण अभी पता नहीं चला है। परिजनों का कहना है कि शराब पीने के कारण उनकी मौत हुई है। अब वहां पर मौजूद एक मृतक की पत्नी को बातों को सुनिए कि वो इस पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही है। 3-5 बजे भोर में जगा के ले गो। अच्छा। चलो भाई तो जाके हो जाए पीऊ ना भूखल को दारू मिला के दिले बड़ी जहर मिला के दारू। अच्छा घर बेचाता तकरे सूचना पुलिस से कहने सूचना दिले रहनी है बनावत आलो जानी। हां उनको नगेंद्र ना हो उ दारू बनावत रहन ओकरा के देता। अच्छा जानी ओकरा के देलन डेली हम रोज डेली देखेनी हम पिछवा रहम। मृतक की पत्नी ने कुछ लोगों पर जबरन जहरीली शराब पिलाने का आरोप लगाया है। घटना से सनसनी फैल गई है। मृतक में कमलेश मांझी, नूर मिया और अवध किशोर मांझी शामिल हैं। मृतक कमलेश मांझी की पत्नी चंपा देवी ने बताया कि गांव के कुछ लोग उसके पति को जबरन घर से ले गए, रोका भी लेकिन वे लोग नहीं माने, जबरन उन्हें लेके गए। इसके बाद उन्हें शराब पिला दी। जब पति घर लौट कर आए तो उन्हें खाने को कहा, लेकिन थोड़ा खाते ही उन्होंने कहा कि तबीयत खराब लग रही है, उनके पेट में तेज दर्द होने लगी। कुछ देर बाद उल्टियां भी शुरू हो गई। इसके बाद उन्हें गांव के एक चिकित्सक के पास लेके गए, जहां डॉक्टर ने चिंताजनक स्थिति बताते हुए रेफर कर दिया। तब उन्हें एक निजी अस्पताल लेकर गए, वहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं चंपा देवी ने कुछ लोगों पर भी शराब बेचने का आरोप लगाया है और अब पुलिस प्रशासन भी इसकी छानबीन में जुट गई है और पता लगा रही है कि जहरीली शराब पीने की वजह से मृत्यु हुई है या फिर कोई और कारण है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही खबर के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। धन्यवाद। 5 बजे भोर में जगह जगह के पीऊ ना भूखल को दारू मिला के दारू।